नमस्कार, मेरा नाम है दीपक सिंह और मैं फिलहाल कर रहा हूँ पीएचडी आईआईटी बेंगलोर से। ये वीडियो मेरे अल्मा मीटर जो कि है आईआईटी गांधीनगर उसके लिए है। ये वीडियो किसके लिए इम्पोर्टेंट हो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी एस्पिरेंट बीटेक, एमटेक या पीएचडी आईआईटी गांधीनगर से सोच रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं एमिनिटीज जो कि आईआईटी गांधीनगर में आपके लिए प्रोवाइडेड होगी और आपकी लाइफ वहाँ पर कैसे होगी, उसके बाद अगर आप सक्सेसफुली ग्रेजुएट होते हैं वहाँ से तो प्लेसमेंट्स जो कि वहाँ पे कैसे हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में वो ये है कि अगर आपको एडमिशन चाहिए आईआईटी गांधीनगर में तो सबसे ईजीएस्ट वे कौन सा है जिससे आपको सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप एक इंटरेस्टेड एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सर, अगर मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ आपके दिमाग में है जो सबसे पहले आएगी अगर मैं एक आईआईटी के बारे में पूछूं, तो आप यही कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर 1950s का होगा और लैब और वो सारी चीज़ें बहुत पुरानी होंगी, मशीन मरने की हालत में बहुत नज़दीक होगी, एसी रहन दीजिए सर उधर तक मत जाइए। ये सारे हाइपोथेसिस आईआईटी गांधीनगर केस में कम्प्लीटली फेल कर जाते हैं। आपको जान के ताजुब होगा सर, क्लासरूम की नहीं मैं हॉस्टल्स की बात कर रहा हूँ। हॉस्टल के हर एक रूम में सर एसी है जो कि स्टूडेंट्स के लिए है सर, और ये फॉरेन स्टूडेंट्स नहीं सर, हर एक स्टूडेंट मीन्स हर एक स्टूडेंट सर। आईआईटी गांधीनगर के हर एक स्टूडेंट के लिए एसी जो है सर वो कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है सर। ये तो बात हुई सर एसी की जो कि हॉस्टल्स में प्रोवाइड किए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम एसी सर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आईआईटी गांधीनगर का वो बहुत 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 सुंदर है सर। आप एक विजिटर की तरह जरूर जाइएगा और देखिएगा सर कि एक गवर्नमेंट कॉलेज भी इतनी सुंदर बनाई जा सकती है। आपको जान के ताज्जुब होगा सर, लेकिन वहाँ पे जो थिएटर है, ओपन थिएटर बन रहा है, वो बहुत बेशुमार सुंदर है सर। और जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पूरा अलग है सर, यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड और वो सब अलग होगा, और ये सर अभी तो फिलहाल कंस्ट्रक्शन के अंदर है। और फिर भी मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा सर, अगर आपको देखना हो, एक बर्ड व्यू देखना हो सर अगर आईआईटी गांधीनगर का, तो आप वो देख सकते हैं सर। आपको एक कंप्लीट एक्सपीरियंस होगा सर कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हो सकता है। और मैं चाहूँगा सर जो बाकी कॉलेजेस हैं सर वो इनको फॉलो करने हैं सर, ताकि हर कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल सर एक अच्छे लेवल पे पहुँचे और हर स्टूडेंट को सर जो बेसिक चीज़ें हैं वो अच्छी मिले सर। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं आपको पूछूँ कि आपके दिमाग में एक आईआईटी फैकल्टी की क्या एक इमेज क्या सेट है, आपका आंसर यही होगा ना सर कि बहुत उम्र लायक होंगे और जो कि बहुत ही डरावने टाइप के होंगे, जो कि बहुत कहना नहीं चाहिए लेकिन खड़ूस टाइप। ये हाइपोथेसिस भी सर आईआईटी गांधीनगर के केस में कम्प्लीटली फेल हो जाता है। यहाँ पे तो एवरेज एज है फैकल्टी की वो समवेयर अराउंड 35-40 की है, जो कि बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर आईआईटीज। सर फायदा क्या होता है अगर एज कम है तो उससे बेनिफिट क्या है? सर जितना एज कम होगी वो फैकल्टी उतना मोटिवेटेड होगा, क्योंकि उनको उनका नाम करना है, उनको उनका नाम एस्टैब्लिश करना है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर और पैटर्न के पीछे दौड़ेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप ओल्ड आईआईटीज या कोई भी दूसरी आईआईटीज में चले जाएंगे, वहाँ पे आपको जो फैकल्टीज होंगी वो मोर और लेस रिटायरमेंट के बहुत नज़दीक दिखते हुए देखेंगे। वो लोग मोटिवेशन थोड़ा कम होगा क्योंकि रिटायरमेंट बहुत नज़दीक होगी, इसलिए जो रिसर्च पेपर आना चाहिए जो एमटेक से वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो उधर इतने आउटपुट नहीं मिल पा रहा। लेकिन आईआईटी गांधीनगर जो कि अपने आप को एक रिसर्च टाइप इंस्टीट्यूट बनाने की बहुत हद तक कोशिश कर रहा है, और मुझे लगता है इस केस के अंदर वो एक उनकी एच बी है। जहाँ पे सर हमारी देश की अमूमन कॉलेजें आज भी 1958 के दौर में ही रह गई है, उस केस में भी आईआईटी गांधीनगर बहुत आगे बढ़ चुका हो ऐसा दिखता है सर। ये देखना हो तो सर आप आईआईटी गांधीनगर के को एजुकेशन में देखेंगे सर। सर आपको जानकर ताजुब होगा कि यहाँ पे कोई सेपरेट डिवीजन आपको डिपार्टमेंट के नहीं दिखेंगे, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो ठीक था सर, आपको ये जान के उससे ज़्यादा ताजुब होगा कि यहाँ पे बॉयज मेस और गर्ल्स मेस ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है, सिर्फ दो मेस। आप फैकल्टी हैं तो भी, बॉयज हैं गर्ल्स हैं, कोई भी कैटेगरी, कोई भी कास्ट, कुछ भी है, सबके लिए सेम, कोई टाइमिंग नहीं किसी के लिए। हॉस्टल्स में, इनफैक्ट हॉस्टल्स में भी अगर आप बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, आपको स्टडी करना है तो आप कोई भी रूम में जा सकते हैं प्रायर कि आप जिसके भी रूम में आप जा रहे हैं उसका कंसेंट हो और एक पढ़ाई का मोटिव हो। ये तो हुई सर आपको हॉस्टल और मेस की बात। अगर आप आईआईटी गांधीनगर की बात करें तो आपको उनकी लैब की जो वर्किंग है वो भी आपको 24/7 दिखेगी।
यानी सर स्टूडेंट जो है ना वो सुबह तो सर मोर और लेस लेक्चर्स होते हैं, तो टाइम तो होता नहीं, तो रात को मोस्टली स्टूडेंट्स फ्री होते हैं, तो उस टाइम पे बहुत लोग जिनके एक्सपेरिमेंट्स बाकी रह जाते हैं वो सर रात को खुद जाके रजिस्टर करके लैब खुलवा भी सकते हैं और एक्सपेरिमेंट करते भी हैं सर। ये फ्रीडम बहुत कॉलेज में मैंने तो नहीं देखी। ये जो फ्रीडम जो स्टूडेंट्स को एक कॉलेज दे रहा है ये एक अप्रिशिएबल मूव है। आईआईटी गांधीनगर के सर बहुत से जो प्रोग्राम्स हैं हाईली कमेंडेबल हैं, उनमें से मैं एक की बात करता हूँ जो कि है बड़ा खाना। सर इस प्रोग्राम में क्लीनलीनेस स्टाफ से लेकर डीन तक जितने भी लोग हैं जो कि आईआईटी गांधीनगर में हैं या रिलेटेड हैं, उन लोगों का सर एक फंक्शन होता है जिसमें सब एक जगह पे आके खाना खाते हैं। इससे ये प्रूव होता है सर कि आप कोई छोटे नहीं या हम कोई बड़े नहीं, ये जो मैसेज देने की जो बात है ये बहुत ही अच्छी और एक बहुत यूनिक है, जो मुझे लगता है कि हर आईआईटी या इनफैक्ट हर कॉलेज के अंदर ही होना चाहिए, जिससे एक मोटिवेशन या बूस्टअप जो है क्लीनलीनेस स्टाफ और हर एक लोगों को पहुंच सके। सर ये तो हो गई बात कि कौन सी अम्यूनिटीज और कौन सी फैसिलिटीज आपको आईआईटी गांधीनगर दे रहा है, लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा ये एक आईआईटी है, तो बाकी आईआईटी में जो हो रहा है वो यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा सर। वैसे यहाँ पे भी महादेव के भक्त बहुत हैं और हर हॉस्टल में हैं, लेकिन प्रेशर और टेंशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कम बिल्कुल नहीं है सर। आपकी लाइफ जो है यहाँ पे एकदम स्मूथ तो कतई नहीं होगी सर। प्रेशर और टाइमलाइन हर रोज और हर घंटे आपको मेंटेन रखना होगा, और यहाँ पे भी जो डिग्री है ऐसा तो है नहीं सर, आईआईटी है, हर एक को अगर डिग्री दे देगा तो आईआईटी की खुद की वैल्यू चली जाएगी, इसलिए जो आउटपुट का जो रेशियो होता है वो हमेशा तकरीबन कम ही होता है हर कॉलेज में, और आईआईटी गांधीनगर में भी वही पैटर्न है। ऐसा तो नहीं कहूंगा कि ये अचीवमेंट है, लेकिन हाँ सर सुसाइड यहाँ पे भी होते हैं, और अगर ऐसा कहना कि कहीं सुसाइड नहीं हो रहे कोई भी आईआईटी में, तो ये एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है सर। हर आईआईटी, हर आईआईसी, हर एनआईटी, हर प्रेस्टिजियस कॉलेज, आईआईएम, उसमें सर सुसाइड होते हैं क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है सर, और होता है पीयर कंपटीशन से। सर आप सोचिए, देश के टॉप माइंडेड पीपल आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं। पहले जब आप स्कूल में थे तो आप अगर टॉपर थे वहाँ पे तो हर स्कूल के टॉपर आपके साथ आ गए सर, तो आपका जो कंपटीशन लेवल है वो यहाँ से यहाँ पे हो चुका है। ऑफकोर्स बात है कि अगर आप यहाँ पे यहाँ कंपटीशन जब करेंगे तो आपको टफनेस तो बढ़नी ही वाली है, और उस टफनेस बढ़ने से क्या होगा सर, अगर आपके मार्क्स कम आने लगे और आपका जो डिफरेंस वो बढ़ता गया तो एक आप कहीं ना कहीं आप ट्रेन मिस कर जाते हैं, और उस केस में सर बहुत हिंड्रेंस हो जाते हैं, प्रेशर बढ़ता जाता है, और आप कहना नहीं चाहिए लेकिन सर गलत राह पे जाने के चांसेस बहुत फेयर ही रहता है सर। प्लेसमेंट की बात करूँ सर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है सर, प्लेसमेंट्स क्या है सर आईटी अंदर सर? प्लेसमेंट्स अगर मैं आपको कहूँ कि आपके क्या एक्सपेक्टेशन है प्लेसमेंट के, आप न्यूज़पेपर और की बातें ना करें और सिर्फ आपको रियलिटी पता हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सर मुझे तो नहीं पता था सर, जब मैंने एडमिशन लिया था मेरे दिमाग में था आईआईटी इक्वल टू 1 करोड़ पैकेज, और यही एक्सपेक्टेशन लेके मैंने आईआईटी गांधीनगर में एडमिशन किया था। सर अगर आप भी यही एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हैं तो आपको बहुत दुख होने वाला है सर। सर हर साल न्यूज़ की हेडलाइन होती है आईआईटी में इस बंदे को 1 करोड़ का पैकेज लगा, इस बंदे को 5 करोड़ का पैकेज लगा। सर ये जो हेडलाइन है ना वो पेरेंट्स के आई को सबसे पहले कैच करती है, लेकिन सर आप एक आप एस्पिरेंट है ना सर, तो ज़रूर वो पूरी जो कॉलम थी उसको पढ़िएगा ज़रूर सर। सर वो जो पैकेज है ना वो इंडिया में नहीं होता सर, वो कोई फॉरेन कंट्री में मिल रहा है किसी को, और वो आपको सिर्फ कन्वर्जन की वैल्यू बता रहा है कि उस कंट्री में इस बंदे का 1 करोड़ का पैकेज है, लेकिन उस कंट्री में तो सर रुपीज़ तो चल नहीं रहा सर, डॉलर या कुछ चल रहा होगा सर, तो सर उस कंट्री में हम अपनी करेंसी से देख रहे हैं तो इसलिए हमें ज़्यादा लग रहा है सर। बहुत ऐसा मैं नहीं कह रहा सर पैकेज हाई नहीं होता, होता है हाई सर, 25 लाख, 30 लाख अगर आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो कॉमन पैकेज है सर आईटी से, लेकिन हर बंदा तो सर कंप्यूटर इंजीनियर नहीं होता। ऐसे भी स्ट्रीम्स हैं सर जो कि आईआईटीज में एडमिशन तो लेते हैं लेकिन उनका प्लेसमेंट ही नहीं होता सर, और अगर आप कंप्यूटर से हैं सर अभी तो आपका नसीब बहुत जोरदार है सर, 50 लाख पैकेज भी लोगों को मिल रहे हैं सर, ऐसा नहीं है नहीं मिल रहे, लेकिन सर ये कह देना कि हर बंदे को अगर आईआईटी में गया है तो 1 करोड़ या करोड़ का पैकेज लेके ही निकलेगा, ये स्टेटमेंट गलत है सर, तो आप ये एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल ही मत आइएगा सर। अगर बात करूँ सर आईआईटी गांधीनगर में आप जब एक्सपेक्टेशन आपकी क्या होनी चाहिए, तो सर एक प्लेसमेंट्स के तरीके से आप इस कॉलेज में बताइएगा सर। अगर आप एक रिसर्च इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं सर
तो ये कॉलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी सर, क्योंकि सर आपको जो फैसिलिटीज चाहिए होगी वो यहाँ पे आपको मिलेगी, और जो एक एटमॉस्फेयर जो कि आपको लिंक्स जो होते हैं पीएचडी करने के लिए या पोस्ट डॉक करने के लिए बाहर जाने के लिए, वो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से फुलफिल हो पाएंगे सर। प्लेसमेंट सर होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा प्लेसमेंट नहीं होगा सर, लेकिन जो एवरेज पैकेज है सर वो चूँकि बाकी कॉलेज में भी वही चल रहा है, अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर सर सेम पैकेज ही यहाँ पे भी आपको मिलेगा सर, जो कि अगर आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियर हैं तो आपका पैकेज समवेयर अराउंड 8 to 9 lakh होगा, और अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो सर 25 यू कैन एक्सपेक्ट सर, यू कैन एक्सपेक्ट, आई एम नॉट सेइंग यू विल गेट, आई एम सेइंग यू कैन एक्सपेक्ट 25 lakhs फ्रॉम कंप्यूटर स्ट्रीम इन आईआईटी अहमदाबाद सर। अब सर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की सर, कि एडमिशन हम कैसे लें आईआईटी गांधीनगर में और कौन से ईजी वेज हैं सर एडमिशन के। सर एक होगा अगर आप एक बीटेक एक्सपीरियंट है सर, अगर आप एक बीटेक एक्सपीरियंट है सर तो आपके लिए जेई देना ही होगा सर। दूसरे वो हैं सर जो कि एमटेक एक्सपीरियंट है, ये वो कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने गेट दिया सर। सर दो इसमें ऑप्शन हैं आपको एंट्री के लिए सर, पहला अगर एक आप गेट से आ रहे हैं तो उसमें आपको एक मेरिट लिस्ट होगा जिसमें आपको रिपोर्ट करना होगा, और सर आप यकीन माने आपका अगर कट ऑफ क्लियर हो रहा है उसके बाद गेट के स्कोर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, द ओनली वेटेज इज इंटरव्यू सर, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है तो ही आप सिलेक्ट होंगे सर। सर बहुत से लोग, मेरे फ्रेंड ऐसे थे सर जिनका रैंक 900 था सर, गेट के अंदर सिर्फ 900 था, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुए सर क्योंकि उन्होंने जो टेस्ट था आईआईटी गांधीनगर जो कंडक्ट करती है एमटेक के लिए सर वही क्लियर नहीं हुआ था सर। तो आप ये रेस्ट अश्योर लीजिए कि सिर्फ गेट स्कोर हाई होने से आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा सर, आपका उस दिन जो टेस्ट होगा आईआईटी गांधीनगर में वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा सर। गेट स्कोर सिर्फ आपको कॉल के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसका कोई वेटेज नहीं होगा सर। इसलिए सर अगर आपके कम मार्क आ रहे हैं गेट के अंदर तो आईआईटी गांधीनगर आप एक ऑप्शन फेयर इनफ कंसीडर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि सर आपका उस दिन का टेस्ट अच्छा जाए आईआईटी गांधीनगर। दूसरा ऑप्शन जो सर बहुत इजी है और बहुत अच्छा ऑप्शन है सर, आईआईटी गांधीनगर ने एक लिस्ट बनाई है जो प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं इंडिया की, उन कॉलेज के टॉप 5 स्टूडेंट्स को वो लोग कॉल करेंगे। ये कॉल होगा सर एमटेक के लिए और पीएचडी के लिए सर। इन लोगों को सर अगर आप सिलेक्ट होते हैं उस प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि सर एप्लीकेंट्स कम है तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग इसमें सर ये है कि जो आईआईटी गांधीनगर आपको स्पेशल एक्स्ट्रा पैसे देता है, जो कि अगर आप एक आई एम नॉट रिकॉलिंग सर, बट 5,000 to 10,000 आपको एक्स्ट्रा पेमेंट अपार्ट फ्रॉम जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है उससे ज़्यादा आपको मिलने वाला है। और सर इस प्रोग्राम में अगर आप सिलेक्ट हो गए और आपने गेट क्लियर नहीं की तो भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा, और जब आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे गेट की तो आपको स्टाइपेंड बाकी लोगों से ज़्यादा मिलेगा सर। जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स अलाउड हैं ये टॉप फाइव सर, उन कॉलेजेस के नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है सर, आप उनको जाके देख सकते हैं कि अगर आपकी कॉलेज अलाउड है सर तो प्लीज़ आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे सर। तीसरा प्रोग्राम सर पीएचडी का है सर, अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि पीएचडी में सिलेक्शन के चांसेस अपने कैसे बढ़ें तो मैंने उस बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने आईआईटी मद्रास और आईआईसी बेंगलोर का पीएचडी इंटरव्यू क्लियर किया है सर, तो मैं आपसे ये विनती करूँगा कि आप वो वीडियो देखें, उससे आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे सर। सर मैं हर सैटरडे एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो कि आईआईटी या आईएससी से रिलेटेड है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं सर, उस बारे में मैं वीडियो बना दूंगा, या फिर अगर सर आपको कोई भी डाउट है आईआईटी आईएससी से तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं सर, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी चाहिए सर, तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं सर, और आपको कोई भी स्पेसिफिक डाउट हो सर यू आर मोर देन वेलकम सर। होप यू हैव अ ग्रेट डे सर, और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो ये मैं आपके लिए दुआ करूँगा सर, और आपकी जो भी एग्जाम या जो भी आप जिसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें आप सेलेक्ट हों ये मेरी दिल से दुआ रहेगी सर। नमस्कार सर, थैंक यू।